डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग 9th क्लास में जो मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग पिछले क्लास तक के पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे थे। पूरा का पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर में है जिसका नाम है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली हम लोग पोजीशन को पता करते हैं कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन है कहाँ, ठीक है। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन कहाँ होता है, इसके पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा रो एंड कॉलम को। रो और कॉलम, किसको रो बोलेंगे और किसको कॉलम बोलेंगे। तो इसमें हम लोग रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। तो रो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रोज, ठीक है। जैसे मान लिया हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी को हम लोग रोज बोलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी मेरा रोज हो गया। ये रो हो गया, ठीक है। अगर ऐसे सिचुएशन रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। अब आगे आते हैं कि कॉलम किसको कहते हैं भाई। तो जैसे हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जब इसी लाइन को अगर खड़ा करके रख दिया जाए तब ये हम लोगों को कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, जबकि जबकि आइडेंटिकल लाइंस, आइडेंटिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम, ठीक है। आइडेंटिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। आइडेंटिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आइडेंटिकल लाइंस कैसे होते हैं, तो खड़ा लाइन, देख पा रहे होंगे ये हम लोगों का क्या है, ये कॉलम वाला लाइंस हो गया, ये कॉलम हो गया, ये हम लोगों का रोज हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग ये सीख रहे हैं कि आखिर किसको हम लोग बोलते हैं कॉलम और किसको हम लोग बोलते हैं रो। तो देखा जाए तो हम लोग कॉलम किसको कहते हैं, तो आइडेंटिकल लाइंस, आइडेंटिकल लाइंस का मतलब जो खड़ा लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग रोज कहते हैं। तो अगर मान लिया कि कोई भी अगर इस डायरेक्शन में अगर दिया है और रोज कहलाता है, और जो ऊपर की तरफ रहता है इसको हम लोग आइडेंटिकल लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब जरा आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सीखते हैं कि एक्सिस के बारे में, कि ये एक्सिस क्या होता है, ठीक है। जरा हम लोग अब बात कर लेते हैं एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस जो होता है ना, एक्सिस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हम लोगों का एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब रहा बात कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसको कहते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं नोट में करके, फर्स्ट पॉइंट, कि
कि एक्स एक्सिस जो होता है ना वो रोज को ही बोला जाता है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर रोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक देखा जाए तो हम फर्स्ट में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं फर्स्ट में, कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर रोज आर आल्सो कॉल्ड एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। यानी कि आप समझो एक्सिस के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। अब किसको बोलेंगे एक्स एक्सिस और किसको बोलेंगे वाई एक्सिस, तो वही बात है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है या फिर उसी को हम लोग रो भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल देते हैं। अब ये एक्स एक्सिस जो हो गया हम लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। नोट का सेकेंड में लिखा जाए, वही जैसे हम लोग यहाँ पे आइडेंटिकल लाइंस देखे ना, आइडेंटिकल लाइंस या फिर कॉलम, तो यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिकल लाइन और कॉलम, कॉलम आर आल्सो कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब रहा बात की जो हम लोगों का एक्सिस बनता है वो मेन हम लोगों का, अच्छा एक्सिस तो समझ गए, अब आइए हम लोग सीखते हैं पोजीशन के बारे में, कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पोजीशन। अब पोजीशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को मिलाकर जो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है, किसको किसको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिल, तो जो पोजीशन होता है ना उस पोजीशन में हम लोग क्या सीखे अभी, कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को मिलाकर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है दोस्त, पोजीशन। यानी कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन निकालने के लिए एक्स एक्सिस का भी ज़रूरत होता है, वाई एक्सिस का भी ज़रूरत होता है। ठीक है, तो एक्सिस के बारे में जरा पोजीशन को व्यक्त कर रहे हैं, तो जैसे मान लिया कि हमेशा पोजीशन के लिए आपको ग्राफ ज़रूरत है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ नहीं भी होगा तो आप सिंपल कॉपी पे इसको बना सकते हैं। ये कॉपी पे बना दिया, ठीक है, कॉपी पे बना दिया, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स डैश हो गया, ठीक है, यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पे वाई डैश हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का ओ हो गया सेंटर। देखिए अब ये जो एक्स बोलते हैं, एक तरफ एक्स डैश बोलते हैं, ये पूरा को हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक्स एक्सिस कहलाता है, और इसको बोलते हैं आइडेंटिकल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, यानी वाई एक्सिस पूरा का पूरा हो गया, वाई एक्सिस पूरा का पूरा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस और पूरा का पूरा वाई एक्सिस, इसके सेंटर में हम लोगों को मिल गया ज़ीरो। ठीक है, अब रहा बात कि हम लोग को सेंटर भी पता चल गया, जो सेंटर होता है दोस्तों यानी कि एक्सिस के जो सेंटर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स ज़ीरो ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो ज़ीरो होता है, क्योंकि ये भी ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जहाँ पे भी कटिंग पॉइंट होता है ना वो ज़ीरो से शुरू होता है। ज़ीरो हो गया, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव,
यहाँ पे अगर बात करें तो -1, -2, -3, -4। ऊपर में अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4। नीचे का अगर बात करें तो -1, -2, -3, -4। ऐसे ही नीचे भी होता है, ऐसे ही ऊपर भी होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी एक्सिस में हम लोग पोजीशन निकालना चाहें, ये हम लोगों का एक्सिस हो गया, और एक्सिस जब भी ड्रॉ करेंगे तो सेंटर होता है हम लोगों का 0, ठीक हो गया, ये हो गया 0, ठीक है। और इधर स्टार्ट करते हैं दाएं तरफ, राइट साइड जो होता है हम लोगों का, इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, इधर क्या होता है पॉजिटिव, इधर जब हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग लिखते हैं नेगेटिव वैल्यू, ऊपर लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और उसके नीचे लिखते हैं हम लोग नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, ऊपर हो गया पॉजिटिव, नीचे हो गया नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए हम लोगों को यहाँ पे, तो कोई भी एक्सिस में ये एक्स और ये एक्स डैश होता है, ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है, और ये इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और 0 का मतलब बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन का मतलब 0 0, ठीक है, और ये ओरिजिन हम लोग का 0 0 मिलता है, ठीक है। अब हम लोग को बात किया जाए कि सर इसमें पोजीशन हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन अगर आपको हम दे दें, अच्छा ध्यान रहे हमेशा 1 से शुरू नहीं करते, आप अपने तरफ से बराबर बराबर डिस्टेंस पे, यानी कि 10 से शुरू करेंगे तो 10 20 30, यानी कि कितना से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये तो 0 ही लिखना पड़ेगा। 0 से आप यहाँ 500 लिखेंगे तो यहाँ 1000 1500 2000 2500, ऐसे ही 500 500 का कैटेगरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग इधर प्लस में लिखते हैं, आइडेंटिकल लाइंस जो होता है, यानी कि वाई एक्सिस में ऊपर वाला जो वाई होता है उसको पॉजिटिव बताते हैं, नीचे वाला को नेगेटिव बताते हैं, एक्स में लेफ्ट साइड की ओर नेगेटिव होता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये आया हम लोगों को कि आप जो है 2 और 3 पोजिशन बताओ, कि 2 और 3 का पोजिशन इस ग्राफ में कहाँ है। तो 2 और 3 का मतलब हुआ, ये हुआ एक्स एक्सिस में 2 और ये हो गया वाई एक्सिस में 2, यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स रहता है ना, तो कोई भी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, किस में लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट्स को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो हुआ हम लोगों को वो ब्रैकेट्स हो गया, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों का ब्रैकेट हो गया, इट मीन्स कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो कोऑर्डिनेट्स का जो ब्रैकेट मिला 2 3, तो जो सबसे पहले आता है वो एक्स आदि लिखा जाता है, फिर कॉमा करके वाई को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 3 पोजीशन को कैसे दिखाएंगे भाई, तो देख लो भाई, एक्स ये तो पूरा एक्स लाइन है, इसमें 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ है, तो 2 का, अब 2 पे पेन रखने के बाद या तो आप ऊपर चलेंगे या तो आप नीचे चलेंगे, यानी कि सबसे पहले जो कुछ भी होगा वहाँ पे आपको पेन टिकाना है। हमने 2 पे पेन टिका दिया, 2 पे पेन टिकाने के बाद, ठीक है, या तो इसको हम लोग ऊपर खींच सकते हैं या तो इसको हम लोग नीचे खींच सकते हैं, और जब ऊपर या नीचे खींचेंगे तो कहाँ पे जाकर रुकेंगे, 3 पे। तो जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे रुकेंगे। आखिर हम क्या बोले कि एक्स एक्सिस में जो पहले दिया रहता है वहाँ पे पेन टिकाना है, वहाँ पे पेन टिका दिए। पेन टिकाने के बाद आपको इस पेन को या तो सीधा ऊपर ले जा सकते हैं नहीं तो सीधा नीचे ले जा सकते हैं। अब मेरा पेन कैसे काम करेगा टिकाने के बाद, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। अब उसके बाद वाई वाला में देखना है कि प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में 3 है, तो प्लस में 3 है का मतलब मेरा 2 पे जो पेन टिकाए थे वो ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि
ऊपर की ओर प्लस होता है, तो इसको हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो प्लस हो गया। इसको हम लोग तीन के सामने रोक देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, थ्री चाहिए, तो इसके ऊपर ले जाएंगे और थ्री के सामने रोक देंगे, तो ये पॉइंट जो हो गया हम लोगों का वो टू और थ्री हो गया, ठीक है, ये टू और थ्री हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग टू थ्री का पोजीशन। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो माइनस थ्री और कॉमा फोर को दर्शाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, तो माइनस थ्री और फोर को कोऑर्डिनेट्स में दिखाना होगा, तो एक्स में जो है माइनस थ्री कहाँ आया है, तो एक्स में माइनस थ्री यहाँ आया है, तो इस पे हम लोग पेन टिकाएंगे। इस पे पेन टिकाने के बाद हम लोग या तो इसको ऊपर खींचेंगे या तो इसको नीचे खींचेंगे, समझ रहे ना बात, या तो इसको ऊपर खींचेंगे या तो इसको नीचे खींचेंगे। तो जब माइनस थ्री के ऊपर और नीचे खींचेंगे तो उसके बाद देखना है कि हमें जो चार है वो प्लस में है कि माइनस में, क्योंकि हम माइनस थ्री पर तो पेन टिका दिए और माइनस थ्री पे यहाँ पे पेन टिका भी दिए, ठीक है। अब माइनस थ्री पे पेन टिकाने के बाद जो हम लोगों का वाई निर्देशांक है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स इसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स में प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में, तो जब भी प्लस होता है तो हम लोग ऊपर चलते हैं। अब ऊपर कहाँ तक चलेंगे इस रास्ते में, हमेशा इसी रास्ते में ऊपर या नीचे चलना होता है, तो इसको देख कर हम लोग चलेंगे। माइनस थ्री पे पेन टिकाने के बाद जो चार है वो प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चार के सामने तक रुक जाएंगे, तो ये हम लोगों का ये वाला पॉइंट, देखिए माइनस थ्री हो गया और चार के सामने रुक गए, तो इसको हम बोलेंगे माइनस थ्री कॉमा फोर, माइनस थ्री कॉमा फोर। अगर मान लिया क्वेश्चन रहता ऐसे, ऐसे रहता माइनस वन माइनस थ्री, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तब कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या बोलें कि इसको दिखाने के लिए हमेशा पहले वाले का वैल्यू देखना है, सबसे पहले कितना है माइनस वन, तो एक्स में माइनस वन कहाँ होगा, यहाँ होगा माइनस वन, इस पर पेन टिका दिए। अब जब इस पर पेन टिका है तो मेरा पेन कैसे काम करेगा, तो या तो सिर्फ ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो सिर्फ नीचे जाएगा इसी रास्ते में माइनस वन से होते हुए। अब इसको ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है, इसके लिए हम लोग बाद वाला देखेंगे, तो बाद वाला किस में है, माइनस में थ्री है, तो माइनस में थ्री है का मतलब इससे नीचे आना होगा माइनस में। अब नीचे तो हम लोग आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अब देखते चलना है कि हम आ रहे हैं तो बस आँख बंद करके चलते नहीं जाना है, इधर भी देखते आना है कि माइनस थ्री के सामने रुकना भी है। माइनस थ्री आया, रुक गए, तब इस पॉइंट का नाम हो गया माइनस वन कॉमा माइनस थ्री, समझ पा रहे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देकर समझाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। तो फोर में कुछ इस तरीके से है कि जैसे यहाँ पे है फाइव माइनस फोर, ये हम लोगों को पॉइंट्स है, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो x में कितना है पाँच, तो पाँच पे हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, पेन रख दिए, पेन टिका दिए कितना पे, पाँच पे। अब पेन पाँच पे टिका दिए तो हम क्या बोलें कि पाँच पे पेन टिकाने के बाद मेरा पेन जो है दो ही डायरेक्शन में काम करेगा, या तो ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो फिर नीचे जाएगा, ठीक है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसको पाँच को पेन टिका दिए तो उसके बाद वाला देखना है, तो बाद वाला कितना है माइनस है, तो माइनस है का मतलब कहाँ जाएगा ये पेन, नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो हम लोग कहाँ पे इस पेन को रोकेंगे, तो माइनस फोर के सामने पेन को रोक देंगे, तो यहाँ ये पॉइंट हो गया फाइव कॉमा माइनस फोर, ये माइनस फोर के सामने हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग किसी भी पॉइंट को दर्शा सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ होगा, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि किसी भी पॉइंट को पोजीशन में हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर उसको पोजीशन को दिखाकर हमें भेजें, तो होमवर्क्स में है कुछ इस तरीके से।
पहला माइनस टू फोर, दूसरा माइनस एट सेवन, तीसरा माइनस सिक्स माइनस टू, ठीक है, चौथा दो माइनस सिक्स। ध्यान रहे हम यहाँ पे करते करते पाँच तक ही लिए हैं ना, आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो छः सात आठ नौ दस इधर भी बढ़ा सकते हैं, सब तरह बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवा छः कौमा माइनस तीन, छठा आठ कौमा माइनस बारह, ठीक है, फिर छः इधर हो गया, जगह नहीं है तो सात इधर कर लेते हैं। सातवा आठ कौमा माइनस दस, फिर लिख देते हैं आठवां माइनस सिक्स माइनस फाइव, फिर नौवां माइनस थ्री और फाइव, ठीक है, और फिर अगर बात करें तो दसवां फोर एंड एट को दिखाना है। तो इस तरीके से आपके पास दस क्वेश्चन है, नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो ये टेन जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, ये टेन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ऐसे ही पोजीशन में आपको शो करना है। अगर ग्राफ के कॉपी में करेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो अपने कॉपी में भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। अब जब हम लोग इतना चीज़ सीख गए हैं तो जो थर्ड चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगले दिन हम लोग इसके फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन को देखेंगे, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।